हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जिन्होंने भी हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और डेली वीडियो देखें जी। और जो वीडियो हम बना रहे हैं वो कृपया पूरा देखें। तो आज अपन बात करते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन की। इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है कि वे प्रोनाउन जिनका जेंडर का हमें पता नहीं चलता वो क्या होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। जैसे एवरीवन, वन, ऑल, दे, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, ये जो क्या है सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। तो इनके साथ यदि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, जैसे एवरीवन शुड अपन बुक, यदि ये किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं तो इन्हें हमेशा पुरुष मानकर ही व्यवहार किया जाता है, न कि महिला मानकर। तो इनको हमेशा पुरुष मानेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज बुक, हर, हिम वगैरह नहीं आएगा, इसको हिज माना जाएगा। क्योंकि एवरीवन जो जिसका जेंडर का पता नहीं चलता वो ग्रामर क्या बोलती है उसके, कि उसे हम पुरुष मानकर ही व्यवहार करें। इसी तरह दूसरा वाक्य, वन शुड डू हिज ड्यूटी हिमसेल्फ, ये वाक्य क्या रहेगा अपना, गलत रहेगा। क्योंकि ग्रामर क्या कहती है कि यदि वन किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो अपोस्ट्रोफी के साथ भी वंस का यूज होगा और यहाँ पे वन सेल्फ का प्रयोग होगा। तो ये वाक्य क्या रहेगा, गलत रहेगा। यानी वन जिस वाक्य का सब्जेक्ट बनता है तो उसके अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज भी वंस लगा के प्रयोग करेंगे और यहाँ हिम सेल्फ की जगह अपन वन सेल्फ का प्रयोग करेंगे। देन क्लियर है। तो अगला रूप करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये तीन प्रकार के होते हैं, इसमें ईच, आइदर और नाइदर। ईच का अर्थ होता है बहुत सारों में से कोई एक, यानी बहुत सारे हैं उनमें से किसी एक की बात करेंगे तो ईच का प्रयोग करेंगे, और कोई दो है दो में से सिर्फ एक की बात करेंगे तो आइदर का प्रयोग होता है, और दो में से एक का भी, यानी दो में से एक भी नहीं तो उसके लिए अपने क्या करेंगे, नाइदर। नाइदर का अर्थ क्या है कि दोनों में से एक भी नहीं। इसी तरह वाक्य में प्रयोग करेंगे तो ईच बॉय एंड गर्ल हैव कम। तो ग्रामर क्या कहती है कि यदि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी ईच, आइदर, नाइदर का प्रयोग होता है तो हमेशा वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, तो ये वाक्य क्या रहेगा, गलत रहेगा। तो हैव की जगह क्या आएगा, हैज कम, ईच बॉय एंड गर्ल हैज कम, ये वाक्य क्या रहेगा अपना, सही रहेगा। इसी तरह अगला वाक्य करते हैं, आई रिक्वेस्टेड बोथ द सिस्टर्स बट नन वाज रेडी टू गो टू बॉम्बे। यानी दोनों सिस्टरों को मैंने, दो सिस्टर्स थी उनमें से रिक्वेस्ट किया मैंने बॉम्बे जाने के लिए, तो दोनों में से एक भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिया इसने, नन दिया है। तो ग्रामर क्या कहती है कि यदि दो या दो से दो की बात होती हो तो क्या प्रयोग करेंगे अपन, आइदर या नाइदर। यदि दो से अधिक की बात करता है वो तब अपने नन का प्रयोग करेंगे, और ये क्या बात कर रहा है, सिर्फ दो की बात कर रहा है यानी बोथ सिस्टर, तो दो की बात कर रहा है तो यहाँ पे नन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे अपन, नाइदर का प्रयोग करेंगे। आई रिक्वेस्टेड बोथ द सिस्टर्स बट नाइदर वाज रेडी टू गो टू बॉम्बे, तो ये वाक्य क्या रहेगा अपना, सही रहेगा। इसी तरह अपन बात करेंगे कि यदि ईच, आइदर और नाइदर दोनों किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं तो उसके साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होगा, प्लूरल आएगा, सॉरी सिंगुलर आएगा। और यदि ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ हो तो वहां पे क्या अपन लगाएंगे, प्लूरल का प्रयोग करेंगे। जैसे
Each boy has come. Each boy has come. तो ये क्या कहता है, यदि एज अकेला आए तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे बॉय का प्रयोग करेंगे, यानी बॉयज नहीं आएगा, सिंगलर का प्रयोग करेंगे। और यदि यहाँ पे एज ऑफ आता है तो अपन इसको नाउन क्या आएगा, हमेशा यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा। जैसे एज ऑफ Each of the boys, यानी ये क्या आ गया, प्लूरल नाउन आएगा, has come। यानी यदि each अकेला आता है तो यहां पर क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा। और यदि each of का प्रयोग करेंगे तो अपने यहां पे नाउन हमेशा प्लूरल का प्रयोग करेंगे, जैसे कि ये boys। Each of the boys has come. Then clear है? तो friends, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए डेली बढ़िया बढ़िया वीडियो लेके आएंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। थैंक यू।